हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, पहले हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। ठीक है, और हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और दो चार एग्जांपल में आपको ओवरव्यू के तौर पे बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट टाइम का फिजिक्स का लेक्चर। ठीक है, तो इस पर हमारे पास टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम भी बोलते हैं बेटा इसे। ठीक है, सिंपल सा मोमेंटम भी बोलते हैं और लीनियर मोमेंटम भी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, होते तो बेसिकली थ्री टाइप के मोशन है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेशन मोशन। मैंने पहले दिन बता रखे, ठीक है, थ्री टाइप के मोशन होते हैं। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट टाइप का होता है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन का मोमेंटम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और जो हमारे पास रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम, जो हमारे पास मोमेंटम होता है उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बेटा हम पहले लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे लीनियर मोमेंटम की, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। इट मास एम, देखो क्या बोल लगा बेटा, हमारे पास कोई बॉडी है m मास की। ठीक है, हमारे पास क्या, एक बॉडी m मास की, ये सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, ये सरफेस पे क्या कर रही है, चल रही है। लो, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v। तो बेटा इसका लीनियर मोमेंटम p से डिनोट करता है, किससे डिनोट करता है बेटा, p से डिनोट करता है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इसका मास कितना है m, मास यानी जो हमारा द्रव्यमान है मास m, एंड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है। दो टाइप की वेलोसिटी होती है ना, एक लीनियर वेलोसिटी एक एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो लीनियर वेलोसिटी यानी जो लीनियर फॉर्म में, जिस वेलोसिटी से लीनियर फॉर्म में वो मोशन कर रहा है, तो v क्या हमारी लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ओमेगा से डिनोट करता है। ठीक है, पर लीनियर वेलोसिटी v, तो मास एंड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू p, हमारे पास मोमेंटम। ठीक है, मास ऑफ m ऑफ द बॉडी मास है m एंड वेलोसिटी v, v क्या है वेक्टर है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इक्वल टू m इनटू v, तो प्रोडक्ट है ना इसका। देखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लिखना जरूरी है बेटा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये सारी पॉइंट लिख के आपको जरूर से आना है। ठीक है, तभी आपको फुल में से फुल नंबर मिलती है। ठीक है, अदरवाइज आपको आपके नंबर कट जाती है और फिर आप बोलते हो नंबर कहाँ कट गया, लिखा तो सारा सही था। ठीक है, तो बेटा ये छोटी छोटी चीज अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रीफ में देना पड़ता है क्या है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम और इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बेटा इसका क्या है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये यूनिट है इसकी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये तो पूछता ही हर यूनिवर्सिटी में, हर पेपर में, फिजिक्स के पेपर में फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन आता ही है, या ऑप्शन में आए या मेन में आए, 15 में 5 में आए, पर ये क्वेश्चन आता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें पता चल गया एंगुलर मोमेंटम को पी से डिनोट करता है। ठीक है, तो बेटा प्रिंसिपल क्या है, इट स्टेट दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम यानी कोई पार्टिकल है। ठीक है, ऑफ पार्टिकल फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड सब्जेक्टेड ओनली टू द देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर किसी, जो हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, हमारी कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो यानी उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं उसे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो बेटा किसी भी, जैसे मेरी कोई बॉडी चल रही है, उसका फर्स्ट मोमेंटम है m1v1, क्या है उसका मोमेंटम m1v1, और फाइनल थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम बढ़ के हो गया m2v2, अगर हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, देखो यहाँ पे ली गई है ओनली टू दिया, देखो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल फ्री, देखो फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं तब के लिए बात है। ठीक है, अगर मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था m1v1, क्या था m1v1। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हो गया उसका m2v2 विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। देखो फोर्स आर सब्जेक्टेड टू देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन, द
रिमेन कॉन्स्टेंट। मैं देखो यानी ये कॉन्स्टेंट रहेगा, पहला वाला इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तब तक सेम रहेगा जब तक हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। बेटा ये जैसे वो प्रॉपर्टी है ना हमारे पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी ये भी है, यानी किसी भी बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया उस पर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे मैथमेटिकली कैसे डिनोट करता है, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, तो एफ इक्वल टू जीरो, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, बेटा ये जीरो में जाएगा तो डी पी इक्वल टू जीरो, यानी पी कॉन्स्टेंट। तो पी क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। जब तक एफ एफ अगर जीरो है तो पी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। तो देखो हम इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, देखो एग्जाम्पल है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। बेटा मैंने बुलेट क्या करी, फायर करी, मैंने गन फायर कर दी, उससे बुलेट निकली है ना, फ्रॉम अ गन, द बुलेट ऑफ मास एम मूव्स फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी वी। तो बेटा हमारे पास एक बुलेट थी, हमारे पास एक गन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, तार कोई वॉल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बुलेट फायर करी, ठीक है, बुलेट क्या करी मैंने, फायर करी, ठीक है। इसका मास है m और वेलोसिटी है स्मॉल v, फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड द गन ऑफ द मास m किक्ड बैक्ड विद द वेलोसिटी, देखो हाँ, फ्री फ्रॉम द बुलेट मास m, गन ऑफ द मास m किक बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी v, मोमेंटम। देखो और जो हमारे पास जो गन का मास कितना है, कैपिटल m है, ठीक है, हमारे पास गन का मास है कैपिटल m। तो बेटा देखो जैसे मैंने फायर किया धड़ाक से, तो बेटा हमारे पास गन पीछे को आती है ना, क्या करती है, गन पीछे को आती है, पीछे को आई यानी इस पे कैपिटल v वेलोसिटी से पीछे को आई, और m वेलोसिटी, m किसकी है, मास ऑफ वो है, ठीक है, मास ऑफ गन। तो यहाँ पे लिख दोगे m क्या है हमारे पास, यहाँ पे छोटा छोटा लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, m स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ठीक है, बुलेट, और कैपिटल m क्या है, मास ऑफ गन, ठीक है। ऐसे ही बेटा स्मॉल v क्या है, मास ऑफ बुलेट, वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और हमारे पास कैपिटल v क्या है, वेलोसिटी जिससे वो पीछे को जाती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन है कैपिटल वी। तो बेटा ये हमारे पास क्या किया, हमने गन चलाई तो बुलेट आगे को गई किसे, एम वी से। तो देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आगे गई एम वी से, ठीक है, तो हमारे पास क्या गई, आगे एम वी से गई, ठीक है। तो देखो एम वी हमारे पास किसका मोमेंटम हो गया, देखो तो मोमेंटम ऑफ बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन एम वी है बुलेट का है ना, अरे मैंने बुलेट चलाया तो आगे को चली, तो यानी वेलोसिटी है और मास है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो लीनियर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम ऑफ बुलेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मोमेंटम ऑफ बुलेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे गन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन है ना, गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो गन बैकवर्ड आएगी ना, तो कितनी आएगी बेटा बैकवर्ड, ये आएगी कैपिटल एम जितना उसका मास है, और कैपिटल वी उसकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो बेटा देखो, तो ये बाय कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, हमने तो कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं, लगाया मैंने बाहर से फोर्स, मैंने तो केवल किक मारी और वो क्या बुलेट आगे गई, उसकी वजह से गन पीछे आई। तो देखो ये कंजर्वेशन जो इनिशियल हमारे पास वो है, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वन एम वी, और फाइनल मोमेंटम क्या है, कैपिटल एम कैपिटल वी, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। बेटा ये माइनस इसलिए लगाए क्योंकि गन पीछे को आएगी ना, अरे बुलेट आगे को गई तो गन पीछे को आएगी, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए मैंने अपोजिट वो लगाया, ठीक है, मैंने माइनस साइन लगाया। बेटा इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एम कैपिटल वी इक्वल टू जीरो। तो बेटा यही तो कंजर्वेशन लॉ है कि हमारे पास जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा तब जब तक, यानी कंजर्व रहेगा यानी सेम रहेगा जब तक मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया बॉडी पे, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास एग्जांपल था, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, और ये आपके पास क्या था, लीनियर मोमेंटम था। अब